बेबाक बोल, देश के कोने कोने की हर खबर। हूँ आपके साथ निशा यादव, मुद्दा आपका, उठाएंगे हम बनेंगे आपकी आवाज। और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह, देश भर में 260 रिपोर्टों के साथ आपकी आवाज हम पहुँचाएंगे सरकार तक। अयोध्या में रोडवेज परिवहन निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त तो संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश सरकार को मंडलायुक्त के माध्यम से रोडवेज में अपनी व्याप्त समस्याओं को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया। सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीयकृत मांगों पर प्राइवेट वाहनों को दी गई परमिट की जाए, संविदा चालकों और परिचालकों को नियमित किया जाए और आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित किया जाए और न्यूनतम वेतन दिया जाए, परिवहन निगम के कर्मचारियों का बकाया डीए का भुगतान हो। किस लिए आप लोग ये धरने पर बैठे, क्या मांगे हैं? सरकार द्वारा जो रोडवेज को समाप्त करने के लिए जो ये कुचक्र रचा जा रहा है, उसी अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम लोग ये अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों का चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। जो सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों को प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं, प्राइवेट लोगों को खोल रहे हैं, हमारे उससे हमारे अस्तित्व को खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार हमारे अस्तित्व को जो चोट न पहुंचावे और जो मांगे हमारी हैं उनको मांगा जाए, जैसे कर्मचारी समस्याएं जो हैं उनको, महंगाई भत्ता है और भी जो अन्य समस्याएं हैं, वो समस्याओं पे ध्यान सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा। जबकि कोरोना काल में या जब भी संकट की घड़ी आई तो सबसे पहले रोडवेज कर्मी ही सरकार के सहयोग में खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों का ये कार्यक्रम है, सरकार मांगे नहीं मानेगी। कितने दिवसीय धरना प्रदर्शन है और मांगे ना पूरी होने? ये आज के लिए था, क्या बोलते हैं, हम लोग मंडलायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेज रहे हैं और अगर आगे की घोषणा जो भी प्रांत स्तर से हम लोगों को निर्देश मिलेगा उस आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह। किस पत्र? संयोजक संयुक्त पत्र, उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जो सरकार की नीति चल रही है रोडवेज को प्राइवेट में देने का, दे जितने हैं उसको न देने का, हर तरह से संविदा पर चालकों को नियमित करने का, इन लोगों का कोई विचार नहीं है। इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्रों में पहला चरण डिपो स्तर डीएम के यहाँ हुआ, अभी दूसरा स्तर कमिश्नरी पर कमिश्नर साहब के ज्ञापन देने का एक कार्यक्रम है। अगर आज के बाद भी सरकार नहीं कुछ सुनती है तो कोई भी आंदोलन का निर्णय संयोजक संघर्ष कर्मचारी अधिकारी मोर्चा से ले लिया जाएगा, जिसमें चक्का जाम भी होगा, हर तरह से भूख हड़ताल, जो भी कार्यक्रम करना होगा कार्यक्रम किया जाएगा। गिरिजा शंकर तिवारी, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।